लाहौर नवाई इलाके शदीद धुंध की लपेट में, मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह 50 मीटर से भी कम रह गई। दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा, M3 फैजपुर जनखाना से रोजाना तक ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। नमूने की बीमारी से अम्बाद का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत पंजाब में मजीद 6 बच्चे जहां बाग, एक का ताल्लुक लाहौर से था। लाहौर में 60, पंजाब में नमूनिया के 140 केसेस रिपोर्ट हुए। नमूने से जहां बाग बच्चों की मजमूई तादाद 126 हो चुकी। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इंतखाबी मुहिम का मकसद बिलावल भुट्टो को लाहौर से कामयाब करवाना है। बिलावल भुट्टो मुल्क का मुस्तकबिल है। इसने हमेशा यकसुई की बात की, अपनी ज़िंदगी में ख़ानदानों को तकसीम करने की बात नहीं की। चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी मोहम्मद सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। आम इंतखाबात के लिए महकमा पुलिस को 23,000 अहलकारों की कमी का सामना। AIG ऑपरेशंस पंजाब ने मुतल्लिका अजला को मरासला भिजवा दिया। इलेक्शन डे पर 1,23,000 अहलकार ड्यूटी देंगे। मुतल्लिका यूनिट्स की नफरी को इलेक्शन ड्यूटी के लिए करीबी जिला के अख्तियार में रखा जाएगा। सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने मुलाजिमों को पाबंद कर दिया। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनेंगे। रैलियों और जलसों में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। और निगरान वजीर अला पंजाब ने ताजपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी, सूबाई वजीर असफर अली नासिर ने बैडमिंटन और दीगर खेल खेले। मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वजीर अला पंजाब ने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल, जिम समेत दीगर सहूलियात मौजूद हैं। 5 साल से रुके मनसूबों को फरवरी तक मुकम्मल कर लेंगे। लाहौर में 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे जिनका चंद रोज में इफ्तिताह होगा। लाहौर में पहला एंटी स्मोक टावर 15 से 20 दिनों में नस्ब कर दिया जाएगा।